आप दोनों की लव स्टोरी क्या वो भी मैं आप, आपको पता आप बहुत एक ग्रीन फ्लैग जिसे कहते हैं ना बाकी कमेंट्स जो मर्जी चलते रहे हाँ. कुछ ये वो बट एक लड़की के पर्सपेक्टिव से अगर आप देखें तो आप बहुत बड़े ग्रीन फ्लैग हैं कि भाई

हुआ यू क्यों मैसेज कर रहे हो वहीं से बात आगे बढ़ती रही बढ़ती रही धीरे धीरे बढ़ती रही देन इसका दिल्ली आना हुआ दिल्ली में शी सर्चिंग फॉर टिफ़िन Something like that. और इसने मुझसे रुपए रखवाए थे वो आज भी याद है है मुझे मतलब मम्मा मुझ इनको कुछ पे नहीं नहीं था कि बाहर की लड़की है, कहीं चली गई भाग के तो के तो पैसे नहीं पहले से एडवांस रखा लिया में भी दिमाग पैसे नहीं। ये तो अच्छी बात है ना? नहीं, तो इसको लगाती थी। मेरी आपको एक चीज बता देना चाहती हूँ मुझे मर्द नफरत थी बहुत नफरत थी अपनी मतलब ऐसा अपना हम दोनों को यहाँ से चले जाना चाहिए नहीं नहीं इसने इसने मेरी वो सोच पूरी बदल दी घर में जब पति पत्नी पे हाथ उठा रहा है बकवास कर रहा है जूत जुद, पाँव की जूती समझ रहा है कुछ नहीं है तू वो बहुत कुछ देखा इनफैक्ट मेरी माँ को जब मेरे बाप की नीड थी ना वो नहीं था तो मैं वो लड़की रही हूँ कि

तो बहुत बार ट्राई किया एक बैठ के बात कर लेते हैं नहीं ऑफिस जाती थी तब टिफ़िन देने जाता था ना मैं तब भी इसके चेहरे पे दिखता था कि ये गेट नहीं खोलती थी बोलती थी बाहर कुंडी पे टंगा दो बस कभी मम्मी जाती मोसली टाइम मम्मी जाती थी लेकिन मैं जब जाता था मैं तब पहले नॉक करता था कि टिफिन ले लो कोशिश करता था कि एटलीस्ट बात कर सकूँ लेकिन वो सब भी नहीं होता था फिर इंस्टा पे धीरे धीरे इंस्टा पे ही बात करता रहा डेट्स के लिए पूछा वो उस पर तब बहुत गाली पड़ी हार निमानी फिर सामने से इसका रिप्लाई आया धीरे धीरे नॉर्मल कन्वर्सेशन स्टार्ट हुई वहां से फिर आ, बात आगे बढ़ती गई बैठ के बातचीत करना स्टार्ट हुए सारी इसकी परेशानी समझी क्या है क्या नहीं है उसको उस फेज से बाहर निकाला कि वही लाइफ नहीं है सिर्फ उससे भी आगे कुछ है जो हो गया पास्ट में ठीक है पास्ट को याद करके कोई जी नहीं सकता तो जस्ट लीव दैट पास्ट एंड मूव ऑन प्रपोज कैसे किया आपने चंद्रिका को इसलिए मुझे प्रपोज कभी किया ही नहीं आज कर दीजिए नहीं इसमें <laughs> मैं आपको हमारे रिलेशन का एक सबसे बड़ा शब्द बता देना चाहता हूँ बता देना चाहती हूँ इंसानियत सिर्फ इंसानियत के लिए तुम्हारे साथ खड़ा <laughs> इंसानियत के लिए ये जब ड्यूटी से आता था तो मुझे स्कूटी पे घुमाने ले जाता था तो वो भी एक इंसानियत थी जब मैं रोती थी तो मुझे उतनी दूर बैठ के चुप कराने की कोशिश करता था वो भी इंसानियत थी जब इसे पता पड़ा कि मैं हार्ट पेशेंट हूँ अकेली रहती हूँ तो डेली दूध ला देना चंदिका दूध पी लेना प्लीज़ क्योंकि मैं नॉनवेज नहीं खाती हूँ चंदिका मम्मी को मत बताना मैंने तुमको अपने तरफ से दूध ला के दिया है वो भी इंसानियत थी और एक दिन बहुत ज़्यादा मैं तकलीफ में थी मेरे घर वालों ने पता नहीं किस इंसान के साथ मेरा

तो मैं कहती थी, थी भाई तू तो क्यों मेरा बोझ अपने ऊपर ले रहा है क्यों इतना इंसान इंसानियत इंसानी हटना यार कोई और आ जाएगा वो बोल ही नहीं रहा था कि प्यार करता है प्यार करता है जब मम्मी को पता पड़ा तो मम्मी ने शायद इन्हें बहुत दूर भेज दिया था मुझसे अमृतसर चले गए थे ये मैसेज कर रहे थे चंद्रिका मुझे घर वालों ने तुमसे दूर कर दिया है ये कर दिया है मैं पूरी टूट गई थी मैंने कहा यार सीरियसली मतलब मुझे वहाँ से निकाल के फिर मुझे वापस धक्का दे दिया मुझे अकेला ही छोड़ना था तो क्यों आया मेरी लाइफ में इसको बहुत उस दिन करा कुछ भी उस लाइफ उस टाइम पे इसके दोस्तों ने बहुत अच्छी भूमिका निभाई है दोस्तों ने कहा कि अगर तू यहाँ नहीं आया ना तो हम उस लड़की के साथ खड़े होकर तेरे खिलाफ़ रिपोर्ट लिखवा देंगे ध्यान लेना ये साढ़े तीन चार बजे आया है और वो

दिल्ली जैसे शहर में है अगर आपकी परवरिश तो कभी ऐसी हुई ही नहीं कि मैं कभी किसी लड़की को डिच कर दूं इसने उस दिन मुझसे शादी करी और मेरा सपना है मैंने अंदर भी बोला कि मैं इसके साथ प्रॉपर वे में शादी करना चाहती हूँ वो मेहंदी लगाना है वो सब कुछ करना है मुझे मैं जीऊंगी अपनी लाइफ और दुनिया कहेगी देखिए ये इतनी अमीर हो गई कि ये दोबारा शादी कर रही है और मुझे For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.